अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मीमन, द वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। हमारे आज के टॉप 10 के स्पॉन्सर है स्टार अकेडमी, स्टार काउंसलिंग गाइडेंस एंड एडमिशन सेंटर एट VP नागा वाड़ा रोड भिवंडी, और नवाब ढाबा, क्वालिटी फूड विद बेस्ट सर्विस एट भिनार नासिक रोड भिवंडी। लस्सी फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ न्यू टेस्ट नाउ एट ओशन गार्डन खंडूपाड़ा भिवंडी। 21 सितंबर को हुए जिलानी बिल्डिंग के हादसे के पीड़ितों को आज भिवंडी कॉरपोरेशन की तरफ से मेयर श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने दिए हरजाना। मृतकों के परिवार को 50,000 रुपए और घायलों को 25,000 रुपए दिए गए। राज्य सरकार की तरफ से हुई 5,00,000 रुपए की घोषणा पर अब भी कोई चर्चा नहीं। कोरोना महामारी में अपनी जान गंवाने वाले भिवंडी महानगर पालिका के 15 कर्मचारियों के घर वालों को भिवंडी मनपा की तरफ से दी गई 10,00,000 रुपए की आर्थिक मदद। IPL टीम मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी कृणाल पांड्या को मुंबई एयरपोर्ट पर डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने रोका। बताया जा रहा है कि कृणाल पांड्या के बैग में अनडिस्क्लोज गोल्ड और वैल्यूबल्स थे जो कि दुबई से ला रहे थे। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अर्णब गोस्वामी की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सीरीज ऑफ ट्वीट पोस्ट किए जिसमें सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का मजाक उड़ाया गया है। साथ ही एक पोस्ट में सुप्रीम कोर्ट पर BJP का फ्लैग बताया है जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कामरा पर तुरंत एक्शन लेने का ऑर्डर पास किया है। कोलकाता के मिदनापुर में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लीडर ने BJP लीडर को शादी में हुए विवाद में मारा थप्पड़। BJP लीडर गोकुल चंद्र जना की मौके पर मौत हो गई जिसके बाद TMC लीडर सुभाष जना को 302 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। शादी में विवाद कोविड पॉजिटिव की उपस्थिति के कारण शुरू हुआ था। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में बुधवार से लागू किया प्रशासनिक राजतंत्र। कॉरपोरेशन के 5 साल का टर्म पूरा होने के बाद कोरोना महामारी को देखते हुए KDMC के चुनाव की तारीख आगे बढ़ा दी गई। पालक मंत्री एकनाथ शिंदे के आदेश अनुसार KDMC के आयुक्त डॉक्टर सूर्यवंशी ने शहर में राजतंत्र शासन लागू किया। मुंबई वर्ली के DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स ने कोविड से पीड़ित लोगों के लिए फंड रेजिंग कैंपेन चलाया जिसमें स्टूडेंट्स ने 35,00,000 रुपये इकट्ठा किए। जरूरत का सामान और दवाइयों के किट बनाकर बांटेंगे गरीबों में। बॉलीवुड एक्टर आसिफ बसरा ने की आत्महत्या। हिमाचल प्रदेश के गेस्ट हाउस में खुद को फांसी लगा ली। धर्मशाला पुलिस सुसाइड की वजह तलाश रही है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस श्रीपद नाइक ने मुंबई के मझगांव डॉक पर लॉन्च किया सबमरीन जिसका नाम रखा गया है वागीर, जो कि इंडिया में बनने वाली इंडियन नेवी की 5th क्लास सबमरीन है। आज सेंसेक्स 236 अंकों की गिरावट के साथ 43,357 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 58 अंकों की गिरावट के साथ 12,690 पर हुआ बंद। गोल्ड 381 अंकों की बढ़त के साथ 50,550 पर हुआ बंद, और क्रूड ऑयल 31 अंकों की गिरावट के साथ 3,121 पर हुआ बंद। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी टॉप 10 न्यूज़। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलिए। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। मिलते कल एक नई टॉप 10 के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट एंड टेक केयर।